लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्या कर रहा हूँ? इसके पेट में धुआं भर गया, उसे निकाल रहा हूँ। और क्या कर रहा हूँ? डर्टी माइंड। देखा निकला कि नहीं? ओह योर डार्लिंग। अच्छा अब डार्लिंग हो गया हूँ? यू नो मैडम, मैं अपनी जान पर खेल कर इसे बचा कर लाया हूँ। पूछो इससे। बराबर। अरे अगर मैं ठीक टाइम पर पहुँच कर वहाँ आपको काबू में नहीं ले लेता तो बेचारी जल कर शामी कबाब हो गई होती। पूछो इससे। बराबर। हजार साल जियो। फेल होकर हजार साल जीने से पास होकर इज्जत की एक सांस जीना बेहतर। बराबर। फेल होकर बड़े भाई को मुंह दिखाने से चुल्लू भर पानी में डूब मरना बेहतर। बराबर। इतने लफड़ों से बचने के लिए एक मात देकर पास कर देना बेहतर। बराबर। अगर ये सब बराबर है तो मिस सुप्रीम कोर्ट मिस्टर हाई कोर्ट से मेरे एक नंबर की अपील कीजिए प्लीज। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से अपील करेगा? नहीं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को ऑर्डर देगा। लोक मिस्टर हाई कोर्ट, तुम्हें ऑर्डर दिया जाता है इस होनहार बालक को पास। लेकिन मेरी बात तो सुनो। ऑर्डर इज ऑर्डर, हमने कह दिया पास मतलब पास। ओके पास। थैंक यू मिस, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स थैंक्स। सनी, अरे कम पास हो गया। अरे मैडम, अरे मैडम, मैडम। मेरा एक और मामूली सा काम कर सकती हैं। बोलो बोलो। क्या मैडम, कल जो हमारे स्पोर्ट्स हैं उसमें लड़के और लड़कियों की हुतु तो खेलने की परमिशन चाहिए आपको। थैंक यू मैडम। अरे बहुत मिल गई। कम या हुतु तो मैच। हां मैडम। लड़के और लड़कियों का तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? परमिशन नहीं मिल सकता। आई से नो मैडम। नो मैडम, कुत्ते मैडम। मैडम ओनली वंस यार, एक बार। गुड मॉर्निंग प्रेमा। गुड मॉर्निंग मिस्टर प्रेम। मेरा प्रेम पत्र पढ़ के कहीं नाराज ना होना। जुल्फों के बादल में चांद जैसा मुखड़ा छुपाए हुए इस चकोर को कब तक तड़पाती रहोगी जालिम? चांद तो खुद देख रहा है चकोर से मिलने के लिए, मगर बीच में लड़के लड़कियों की दीवार। मौसम कितना खुशगवार है। मौसम कितना खुशगवार है। बहार पर बहार है। बहार ही बहार है। लेकिन इससे पहले फिल्म जवानी दीवानी देखने का विचार है? कहो, इकरार है? मुझे कब इनकार है, मुझे कब इनकार है? फिर आज शाम 7:30 बजे मिलन सिनेमा में हो जाए अपना मिलन। हो जाए। मिलन होगा, लेकिन पहले मुझसे और सनी से। ये जवानी है दीवानी, तू आजा मेरी रानी। मैं आया, मैं आया, मैं आया मेरी रानी मैं। गुड इवनिंग सर। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? पहरेदारी सर। बट सर, क्या जच रहे आप इस सूट में? कहीं किसी की नजर ना लग जाए, ये काला सा टीका लगा लीजिए सर। वैसे आज किस पर बिजली गिराने का इरादा है सर? तुम कौन होते हो पूछने वाले? सिगरेट फेंक दो, फेंक दो। पता है 7 बजे के बाद बाहर निकलना मना है? मालूम है 7 बजे के बाद हॉस्टल से बाहर निकलना मना है। ये रूल हम पर भी लगता है और आप पर भी। मैं तो चेक करने आई थी, कोई बाहर तो नहीं गया? बहुत खूब, चेक करने निकली थी। मुंह पर 6 इंच का मेकअप, पैरों में 4 इंच की हील पहनकर आप चेक करने निकली हैं कि कोई बाहर तो नहीं गया? बालों को काला कर, कपड़ों पर सेंट छिड़क के, छुपते छुपाते गाना गाते, हॉस्टल से बाहर जा रहे ट्यूशन पढ़ाने का, मैडम को पटा रहे नटखट कहेंगे। ऐसा बोल, ऐसा बोल, कोई सुन लेगा। इसलिए तो बोलती हूँ, लड़के लड़कियों की हुतुतु की परमिशन दे दो, वरना आप लोगों के बुढ़ापे की मोहब्बत का भांडा फोड़ दूंगी। अरे नहीं नहीं नहीं, तू तो मेरा बेटा है ना, तू क्या मेरा भांडा फोड़ेगा? तुझे परमिशन चाहिए ना। दी। मैंने भी दी। इस बदतमीजी का मतलब? मतलब सिर्फ इतना मिताशा जी कि आज के बाद गोल्डन क्लब में आप नहीं बल्कि माय स्वीटी पाई मिस शीतल गाएंगी। हाय, आप कौन होते हैं मुझे मना करने वाले? उस क्लब के मालिक का बेटा। अरे वाह, बाप हाथ पांव जोड़कर गाने के लिए राजी करता है?
और बेटा उसके हाथ पांव तोड़ देता है जो उसकी बात नहीं मानता। मगर आपके केस में हम आपका हाथ पांव नहीं तोड़ेंगे। जानती हो क्या है तेजाब? चिड़िया फंस गई जाल में। छोड़ दे मेरा हाथ, छोड़ दे। चिड़िया, पांच मरद एक छुक। अरे कोई देखेगा तो थूकेगा तुम लोगों पर। ऐसा करो, ये चूड़ियां पहन लो, मामला लेवल हो जाएगा। आउट। चला जाता हूं, मगर पहले तुम लोग ये चूड़ियां चढ़ा लो। यू वेरी बास्टर्ड। हाथ चलाने को नहीं बोल, चूड़ियां चढ़ाने को बोल। अरे जाती कहां है, गाना नहीं गाएगी? वो तो मुझे मालूम था। क्या मालूम था? कहानी शुरू। कहानी? हाँ। आप मेरा शुक्रिया अदा करेंगे और मैं बड़ाई मारते हुए कहूंगा, अरे इसमें शुक्रिया अदा करने की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। फिर आप मेरा नाम पूछेंगे, मैं कहूंगा मेरा नाम है जॉन जानी जनार्दन। अब आप पूछेंगे एक आदमी के तीन नाम कैसे? तो मैं कहूंगा, मैडम ईसाई माँ ने जन्म दिया, हिंदू ने दूध पिलाया और मुसलमान ने परवरिश की। तीनों धर्मों के एक एक नाम, जॉन जानी। फिर आप पूछेंगे मैं रहता कहाँ? मैं फाइव स्टार होटल में रहता हूँ। फिर आप पूछेंगे मैं काम क्या करता हूँ? मैं लोगों का पेट भरता हूँ, भूखों को खाना खिलाता हूँ। लेकिन आप ये सब मुझे कुछ बोलने का मौका तो दीजिए। देखिए, हर इंडियन पिक्चर में ऐसा ही होता है, विलेन अपने 6-8 गुंडों के साथ हीरोइन की छेड़खानी करता है, एक खास मौके पर हीरो की एंट्री होती है, ऑडियंस में तालियां, उसके बाद हीरो विलेन और उसके गुंडों को दे दनादन करता है, जैसे कि अभी आपने देखा, उसके बाद हीरो हीरोइन में प्यार, फिर शादी, यानी हैप्पी एंड, पैसे वसूल। यहाँ ऐसे वैसे कुछ होने वाला नहीं है, ये कोई पिक्चर विक्चर नहीं बन रही है। मुझे किसी की बकबक सुनने की आदत नहीं है। बाय बाय बाय। आप जरा ये शटर खोलेंगे? चलिए। सुनिए, कहीं ऐसा तो नहीं इन गुंडों को किराए पे लाकर
आप मेरी नजरों में हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे। क्या नाम है आपका? जी मैं फायर। जो भी हो मैम साहब, अगर ये फिल्म की शूटिंग होती तो ऐसा ही कुछ होता, लेकिन इत्तेफाक से ये फिल्म शूटिंग नहीं हकीकत थी। और अगर मैं टाइम पे नहीं आता ना तो आपका तो अब तक हो चुका होता। आधा और ये चुटकी उधर होटल में बजाना जहाँ वेटर है, यहाँ बुलाना हो तो नाम लेके प्यार से बुलाओ। अच्छा जॉन साहब, आपको हम घर छोड़ दें? तुम मेरे को घर छोड़ोगे? मैं तो समझा था अपना स्टोरी होटल में खलास हो गया, पर ये तो आगे बढ़ रहा है। बढ़ने दो, बढ़ने दो, बहुत दम है स्टोरी में। बहुत जल्दी खाना खत्म कर दिया आपने। मैंने तो खाना खाया ही नहीं उसके साथ। बहुत अच्छा किया खाना नहीं खाया। ये विलन लोग के साथ तो खाना खाना ही नहीं चाहिए। जितना घटिया आदमी होता है ना उतना ही घटिया इनका खाना होता है। आप देखो अपना गला देखो है कितना अच्छा है। वो खाना खाया होता ना बैठ गया होता। मैंने तुम्हें यहाँ पक पक करने के लिए नहीं बिठाया। अच्छा क्या, ठीक है, पक पक नहीं करता है, चुप बैठता है। अरे चुप रह। कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, अरे बोलो ना कहाँ जाना है। अरे कमाल करता है, खुद बोलता है कि बकबक करता है, फिर खुद ही बात करने को बोलता है। बालट पेयर जाना है। अच्छा वहाँ रहते हो? नहीं नहीं, वहाँ तो हर शनिचर हमारा इंतजार होता है। इंतजार? हाँ। कौन करता है? अपना महबूब। महबूब? हाँ, अपना डार्लिंग, अपना दिल, अपना जिगर। हाँ हाँ, एक घंटा मुलाकात होता है तबीयत हरी हो जाती है। अभी आप मिलेंगे ना, देखना कितने प्यार से मिलते हैं। दो किस मैं मारूंगा, दो किस वो। बस बस बस, एकदम सही जगह पर लाके पटका। आइए मैम साहब, आइए आपको अपने महबूब से मिला दो। मुझे नहीं मिलना है तुम्हारे महबूब से। अरे जब यहाँ तक आई गई तो मिल लो ना। मैंने कहा ना मुझे नहीं मिलना है। बाय बाय। अरे ओ ओ मैम साहब, अरे अरे सुनिए तो। साला अपना नसीब ही गड़बड़ा है। अरे जाने भाई, आओ जाने भाई, आओ जाने आओ। अलग का थोड़ा टोड़ा लो, आज बहुत पैसा लगाया तुम्हारे ऊपर। बाप बाप बच्चा आ गया, आ गया मेरा केयर, मेरा चैंपियन, मेरा मोहम्मद अली। साला अपना नसीब में इसी का पप्पी लेना लेगा। हाँ बोल, किसका थोबड़ा फोड़ने का है? उस्ताद आज का फाइट इतना इजी नहीं है, बाहर गांव से बहुत बड़ा बॉक्सर आएगा है, वो देख। अपन अपना बोरिया बिस्तर बेच के पूरा 5,000 रुपया लाया है, तू बोल तो लगाता हूँ। जो लगाना है लगा दे, देखा जाए। अरे क्या बोल रहा है, अगर तू हार गया तो मैं लग जाऊंगा। ऐसा क्या? एक को 5 का भाव दे दे। दे दे। बोलो, एक को 5 का भाव देता हूँ, लगाते हो? लगाता हूँ। एक के 5, एक के 5। डन डन। उस्ताद तुम पर पूरे 5,000 रुपये लगा रहा हूँ, जरा जम के लड़ना। महबूब भाई। हाँ। लड़ने का मूड चला गया। मूड चला गया? अरे तुम्हारा मूड चला गया तो मेरे 5,000 रुपये चले जाएंगे। निराशा कैसे हो गई? अरे क्या भगता है वो, आए क्यों नहीं? अरे आशा निराशा का चक्कर छोड़ और फाइट की भाषा बोल। मेरे जॉन जॉनी जनार्दन जाके दे दना दन। लड़की के मामले में अपना जजमेंट कैसे फील होगा?
अरे जजमेंट दे रहा नहीं, अपना फेल हो गया है। अगर तू इसी तरह मार खाता रहा तो अपना तो हार्ट फेल हो जाएगा। जा मेरे शेर, मैं तेरे को दूध पिलाऊंगा। मार खाता ही जा रहा नहीं। अच्छा वाह, आप आ गई, वरना फाइट करने का तो मूड ही नहीं बन रहा था। देखा नहीं किस तरह धुलाई हो रही थी। जानती है, आज अगर मैं ये बॉक्सिंग मैच हार जाता तो अपने छोटे भाई को पढ़ाई खर्चे के लिए पैसे नहीं भेज सकता। अपने खून के लिए थोड़ा बहुत खून तो बहाना ही पड़ता है ना। वैसे क्या सोचकर वापस आ गई? मैंने सोचा आपके महबूब से भी मिल लूं, जिसकी आप इतनी तारीफ कर रहे थे। ऐसा क्या? सोच समझ के पप्पी दिया कर, देखने रहा लड़की खड़ी है। हाँ, ये है मेरे दिल, मेरे जिगर, मेरे जान, मेरे महबूब। तो ये है आपका महबूब जी।